हेलो गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक पोएम, द वे स्पेन वॉज, रिटन बाय पाब्लो नेरुडा। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू चैनल येट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंटेंट। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इसमें, हम इंट्रोडक्शन टू द पोएट, हमारा इस पोएम का जो बैकग्राउंड है उसको भी डिस्कस करेंगे, एज वेल एज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी डिले। पहले हम अपने पोएट के बारे में जान लेते हैं जिनका नाम है पाब्लो नेरुडा। पहले तो ये बात जाननी जरूरी है कि ये इनका असली नाम नहीं था, इन्होंने खुद को ये सूडोनिम दिया था। सूडोनिम वो नाम होता है जो कोई भी राइटर, पोएट, कोई भी लिटरेरी आर्टिस्ट अपने आप को नाम देता है, जो वो चाहता है कि इस नाम से मेरे वर्क्स को पब्लिश किया जाए। इनका असली नाम नेफ्ताली रिकार्डो रेस था। इनका जन्म 1904 पैरल नाम की PARRAL पैरल नाम की जगह पे हुआ था। इनको पिकासो ऑफ पोइट्री भी बोला जाता था क्योंकि अपना पोइटिक स्टाइल फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते थे। इनकी जो पोएम्स हैं उनको नोबल प्राइज मिला था 1971 में। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, और इनकी काफ़ी सारे पोएम्स को बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है, जिससे पता चलता है कि ही इज़ अ वाइडली नोन पोएट। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, अपना पोएम का जो बैकग्राउंड है, जो कंटेक्स्ट है, उसको पढ़ लेते हैं। स्पेन में हुआ था सिविल वॉर। इस सिविल वॉर के दौरान पाब्लो नेरुडा के दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स, गार्सिया लॉर्का और मिगुएल हर्नांडेस, इन दोनों की डेथ हो गई थी। और इसी डेथ की वजह से पाब्लो नेरुडा को भी बहुत धक्का पहुंचा था। ही वॉज डीपली अफेक्टेड कि मेरे दो दोस्त इस सिविल वॉर में मारे गए, जो इन्होंने अपने सिविल वॉर के दौरान जिन चीज़ों को देखा था, जो मर्डर्स देखे थे, उसी से ये डीपली अफेक्ट हुए, उसी से ये मोटिवेट हुए और इन्होंने चाइल्ड की कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ताकि जो सोसाइटल इश्यूज ये देखते हैं सोसाइटी में, उसमें उसको ठीक करने के लिए ये भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी ये जो इच्छा है चीज़ों को चेंज करने की, अपनी पोएट्री के थ्रू भी प्रेजेंट करी। ये जो वॉर था ना, ये पोएट्स और आर्टिस्ट के लिए एक इंस्पिरेशन थी, एक ऐसी इंस्पिरेशन जिससे ये अपनी आर्ट के थ्रू अपने मन की जो बातें हैं उसको एक्सप्रेस कर पाए। ऐसे ही बहुत सारे राइटर्स जैसे W.H. ऑर्डन, हमारे पाब्लो नेरुडा, पिकासो, इन्होंने अपनी आर्ट फॉर्म्स के थ्रू इस अपनी जो चेंज करने की जो इनकी इच्छा थी, इसको से प्रेजेंट किया। 1937 में इनकी पोइट्री कलेक्शन थी स्पेन इन माय हार्ट, इन्होंने उसको पब्लिश किया पाब्लो नेरुडा ने। और इसकी पब्लिशिंग के बाद हमें दिखा कि ये एम्पैथी रखते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने स्पैनिश सिविल वॉर में अपनी जान खोई है या अपने घर वालों को खोया है। और यही जो पोएम है द वे स्पेन वॉर जो हम पढ़ने वाले हैं, ये इसी चीज को शो करती है। आगे बात करते हैं लास्ट हमारे बैकग्राउंड में सरलिज्म की। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें आर्टिस्ट अपनी जो रेवोल्यूशनरी जो उनके थॉट्स हैं उसको प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू देयर आर्ट फॉर्म। ये जो आर्ट फॉर्म थी ये दूसरे आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस्ड थी, और इसमें राइटर्स ने, पोएट्स ने, इन सब ने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया थ्रू द मीडियम ऑफ देयर आर्ट। फटाफट से शुरू कर, फ्रॉम थर्ड रेजिडेंस 1947, टॉट एंड ड्राई स्पेन वॉज, सूखा पड़ा था स्पेन पूरा, जैसे वहां पे कोई अकाल पड़ गया हो। अ डेज ड्रम ऑफ डल साउंड, एक मोनोटोनस रिदम थी वैसे, जहाँ पे मतलब कोई चीज सुनने को नहीं मिल रही थी, किसी की हंसी सुनने को नहीं मिल रही थी, कोई जॉय का साउंड नहीं था वहां पे। अ प्लेन एंड ईगल्स ईरी, मानो तो सिर्फ माउंटेन्स पर भी ना सिर्फ ईगल्स जैसे तबाही मचाने वाले, नोच खाने वाले, दूसरों को मारने में दुख पहुंचाने वाले ऐसे बर्ड्स दिख रहे थे। अ साइलेंस बिलो द लैशिंग वेदर, मौसम जैसा भी हो उसके पीछे छुपा हुआ था एक ऐसा ऐसा अंधेरा, एक ऐसा माहौल जो शांति से भरा हुआ था, शांति ऐसी जो तबाही लेके आई थी।
आगे बढ़ते हैं अपनी पोएम के साथ. हाउ अन टू क्राइंग आउट अन टू द वेरी सोल, आई लव योर बैरन सॉइल एंड योर रफ ब्रेड, योर स्ट्राइकिंग पीपल. अब यहाँ पे पाब्लो नेरुडा अपने स्पेन के लोगों से अपना प्यार दिखा रहे हैं कि मैं आप सबसे एम्पथी रखता हूँ, मैं आप सबकी जो रूखी सूखी रोटी से आप काम चला रहे हो उसको समझता हूँ, आप जिस अकाल पड़ी हुई धरती पर रह रहे हो मैं उसके उस पर रहने का दुख समझता हूँ, मैं आपकी जो सोल है उसका दर्द समझता हूँ. हाउ इन द डेप्थ ऑफ मी ग्रोज द लॉस्ट फ्लावर ऑफ योर विलेजेस, टाइमलेस इम्पॉसिबल टू बच, योर ट्रैक्ट्स ऑफ मिनरल्स बल्जिंग लाइक ओल्ड स्टर्स अंडर द मून, डिवोट पायल इम्बेसिल गॉड. ये कहते हैं कि मेरे अंदर वो फूल है अभी तक जो जिसने देखा था कि यहाँ पे हर चीज कितनी खुशनुमा थी. ये कहते हैं कि मैंने देखा है कि यहाँ की मिट्टी कितनी उपजाऊ थी, कितने लोग खुश रहते थे, पर अब यहाँ पे हमारे जो पोएट हैं वो इम्बेसाइल गॉड, यहाँ पे एक रेफरेंस दे रहे हैं वो कि जो जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको थे उन्होंने कैसे यहाँ पे मिलिट्री अपराइजिंग करी, कैसे ये सब चीज़ें बदल गई, जो चीज़ें खुशी में थी वो चीज़ें धीरे धीरे सिविल वॉर के दौरान बदल गई. मूविंग फॉरवर्ड, ऑल योर एक्सटेंशंस योर बेस्टील सॉलिट्यूड जॉइंड विद योर सॉवरेन इंटेलिजेंस, हॉन्टेड बाय द एब्स्ट्रैक्टेड स्टोन्स ऑफ साइलेंस, योर हार्श वाइन एंड योर स्वीट वाइन, योर वायलेंट एंड डेलिकेट वाइनयार्ड्स. फटाफट से समझा देती हूँ, मैं आपको कोई समझ ना आए इसमें बीच में कुछ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. तो बेसिकली हमारे जो पोएट यहाँ पर जक्स्टा पोजिशन कर रहे हैं, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट को साथ में लेके चल रहे हैं. पहले ही बता देती हूँ कि पास्ट में स्पेन बहुत ही रिच था, रिच मतलब मिनरल्स सारे वहाँ पे थे, वहाँ बेस्ट वाइन थी, वहाँ बेस्ट इंटेलिजेंस थी, पर अब जब यहाँ पे सिविल वॉर के बाद तबाही सी मच गई है तो हर चीज ऑपोजिट हो गई है. जैसे कि जो इंटेलिजेंस थी वो अब कुछ नहीं रही है यहाँ पे, जो इतना रिच स्टेट था हिस्टोरिकली रिच वो बस अब एक ऐसी जगह बन गई है जो सिर्फ खंजर सा सॉरी जो सिर्फ ऐसी बिल्कुल खाली जगह लग रही है. साथ साथ बताते हैं कि जो सुप्रीम इंटेलिजेंस यहाँ पाई जाती थी अब उसका जो उसकी जो जगह है वो चुप्पी ने ले ली है, सब शांत हो गए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा. जो वाइन यहाँ पे पहले बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी अब वो असर भी नहीं कर रही. यहाँ के वाइन यार्ड्स जो पहले इतने खुश थे, इतने बहुत ही ब्लूम में थे, बहुत ही खिल रहे थे, वो अब इतने डेलिकेट हो गए हैं कि बारिश आते ही वहाँ उसके फूल सारे झड़ जाएं. तो ऐसे बताते हैं कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन आ गई है यहाँ पे. स्टोन ऑफ द सन प्योर अमंग टेरिटरीज, स्पेन वींड विद ब्लड्स एंड मेटल्स, ब्लू एंड विक्टोरियस, प्रोलेटेरिएट ऑफ पेटल्स एंड बुलेट्स, अलोन अलाइव सोमनोलेंट रिसाउंडिंग. यहाँ पे पाब्लो नेरुडा बताते हैं कि स्पेन की एंटीक्विटी कैसे थी, यहाँ पे जो एंटीक चीजें थी वो कितनी रिजर्व थी, कितनी प्रेशियस थी, कि यहाँ की टेरिटरीज कितनी प्रेशियस थी, यहाँ का जो मेटल्स थे वो कितने प्रेशियस थे. ये कहते हैं अ लैंड वंस गवर्न्ड बाय ग्रेट मोनार्क्स, यानी कि स्पेन जो जगह है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही महान मोनार्क्स ने महान लीडर्स ने यहाँ पे राज किया है. जब ये बोल रहे हैं ब्लू एंड विक्टोरियस तो ये मोनार्क्स की बात कर रहे हैं. वो अब एक ऐसी जगह बन गई है, इट इज नाउ प्रोलेटेरिएट ऑफ पेटल्स एंड बुलेट्स. अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्या बोलते हैं झुंड में लोग सिर्फ लड़ रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं. आई होप यू आर गेटिंग मी. ब्लू एंड विक्टोरियस मींस यहाँ पे बहुत अच्छा राज हुआ है पहले, और प्रोलेटेरिएट ऑफ पेटल्स एंड बुलेट्स मींस अब यहाँ पे सिर्फ दंगे फसाद होते हैं. अलोन अलाइव सोमनोलेंट रिसाउंडिंग, ये जो कंक्लूडिंग लाइन है ये एक होप जगाने वाली लाइन है कि डिस्पाइट ऑफ द स्ट्राइफ डिस्पाइट ऑफ द लोनली स्टेट हेयर, यहाँ पे एक अच्छा फ्यूचर हम सोचते हैं, एक ऐसा फ्यूचर जो खुशनुमा होगा, जो अच्छा होगा, जिसमें दोबारा से हम जीत देखेंगे. दैट इज एंड ऑफ आवर पोएम. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू एनी डाउट और यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग यू कैन पुट डाउन इन कॉमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव. थैंक यू गाइस.